आफ्टरनून दीपांशु। अनिल जी, आज का जो मेरा पहला स्टॉक है जिसमें खरीदारी करनी है, स्टॉक का नाम है रैमको इंडस्ट्रीज, जो अभी 222 के लेवल्स पे ट्रेड कर रहा है। पहले इसके शॉर्ट टर्म टारगेट है 235 के, स्टॉप लॉस रखना है 215 रुपए का। ये रैमको ग्रुप की एक कंपनी है जो कि मेनली बिल्डिंग मटेरियल्स बनाती है, जिसमें ये फाइबर, सीमेंट शीट्स, फिर कैल्शियम सिलिकेट बोर्ड्स वगैरह बनाती है। एक मतलब वन ऑफ द लीडिंग मैन्युफैक्चरर्स है इंडिया में और साउथ एशिया में। बाकी इनके कई प्रोडक्ट्स यूनिक है, जैसे एक इनका रैमको ग्रीन कोर नाम का ब्रांड है, उसमें 100% एस्बेस्टस फ्री रूफिंग प्रोडक्ट बनाती है जो कि यूरोप की टेक्नोलॉजी यूज करती है, तो वो एक रिवोल्यूशनरी प्रोडक्ट है इनका। फिर इन्होंने एक ग्रीन ड्राई कंस्ट्रक्शन के लिए भी स्मार्ट बिल्ड सर्विसेज प्रोवाइड करती है, तो वो भी एक सेगमेंट है जिसपे कंपनी एग्रेसिवली काम कर रही है। फिर टेक्सटाइल्स है, अराउंड 40% रेवेन्यूज इनके पास टेक्सटाइल से आते हैं। विंड पावर है इनके पास अराउंड 16.73 मेगावाट का, जिसमें कैप्टिव पावर के बाद मर्चेंट सेल्स भी करते हैं। और हम जिस तरह की एक बूम देख रहे हैं रियल एस्टेट में, हाउसिंग में, मुझे लगता है इस तरह की जो कंपनियां, जो बिल्डिंग मटेरियल सेगमेंट वाली कंपनियां अच्छा करेगी, तो उस लिहाज से अच्छा लगता है। बाकी वैल्यूएशन के लिहाज से बहुत ही सस्ता अंडर वैल्यूड स्टॉक है। इसकी मार्केट कैप है 1930 करोड़ रुपए की, जबकि ये कंपनी अपनी ग्रुप कंपनी रैमको सीमेंट्स में अराउंड 21.36% स्टेक ओन करती है, जिसकी आज मार्केट वैल्यू आती है 5200 करोड़। 5200 करोड़ की तो सिर्फ उस स्टेक की वैल्यू है, और इस कंपनी के पास एक अच्छा खासा बिजनेस के बावजूद सिर्फ 1930 करोड़ की मार्केट कैप है। तो इस तरह के डीप डिस्काउंट पे स्टॉक अवेलेबल है। फिर अच्छी खासी इसमें इंस्टीट्यूशंस की भी हिस्सेदारी है, जिसमें टाटा म्यूचुअल फंड है, GIC है। तो मुझे लगता है स्टॉक को करंट लेवल्स पे खरीदना चाहिए फॉर अ टारगेट ऑफ 235, स्टॉप लॉस ऑफ 215। ओके, तो यह है आपके लिए रैमको इंडस्ट्रीज, जिसपे खरीदारी करनी है, 235 का टारगेट होगा। सिटी साहब, दूसरा